हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोज हमने ऑलरेडी 8.1 भी कंप्लीट कर ली है एंड 8.2 के भी क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, और वो सारे वीडियोज का लिंक आपको आपकी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जहाँ आप सीधा भी जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 सुपर मास्टर बुक का नेम लिख दीजिए, अपने चैप्टर का नेम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 ICSE, और साथ में लिख दीजिएगा ब्रिलियंट माइंड, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हाउ मच विल ₹25,000 अमाउंट टू इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली इफ द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स बी 4% पर एनम एंड 5% पर एनम। हमें प्रिंसिपल दिया है 25,000 टाइम है 2 years, एंड दोनों ईयर्स के लिए हमें रेट डिफरेंट दिया है, रेट 1 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड रेट 2 फॉर द सेकेंड ईयर। सक्सेसिव ईयर मीन्स कॉन्टिन्यूसली ईयर्स है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते, तो हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट फाइंड करने का प्रिंसिपल, 1+, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 1+R/100। पर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, जो टाइम लिखते हैं ना हम यहाँ पे 2 ईयर्स के, तो सीधा 2 ईयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1+R/100, 1+R/200, बस आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 25,000 1+ रेट फर्स्ट ईयर का है 4%, देन सेकेंड ईयर का है रेट हमारे पास 5%। अब यहाँ पे हमने टाइम नहीं लिखा, बिकॉज ये भी 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है, तो पावर 1 हो तब भी आपका आंसर तो सेम ही रहेगा। देन 25,000 एज इट इज, अब हम इन को ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, 1 and 100 का एलसीएम, 100 दोनों साइड पे। आप अपने, जब आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम नहीं है, तो मैं क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ। तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 100 1 100+4, एंड सेम ऐसे यहाँ पे भी 100+5 आ जाएगा। देन 25,000 मल्टीप्लाई 100+4, ब्रैकेट है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, 104/100 एंड 105/100। हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते, देखिए 0 0s कट हो गए, यहाँ पे हमारी 1 0 तो कट हो रही है। देन अब यहाँ पे हम देखिए, अगर 5 के टेबल में, देन 5 5s are 25 एंड 5 2s are 10, 2 1s are 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर है 5 into 52 into 105। हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गई ₹27,300। 2 ईयर्स के बाद 25,000 रुपीज़ क्या बन जाएंगे, 27,300, जब उस पर 2 different डिस्काउंट्स हैं, फर्स्ट इज 4% एंड सेकेंड ईयर के लिए 5%। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 के बाद हमारा 9 क्वेश्चन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर किए थे, चैप्टर नंबर 1 मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया था, देन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम हमारे सिलेबस में सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो आप वही क्वेश्चन करवा दीजिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अभी मैं सारे चैप्टर्स इस बुक में से, सुपर मैथ स्टार बुक में से वही कवर कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने यही कहा था कि मैम आप वही सिलेबस में क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के क्वेश्चंस ही सारे कवर अप हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द फाइंड द प्रिंसिपल इफ, अब हम प्रिंसिपल नहीं गिवन, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years इज दिस। इट मीन ये हमें क्या दिया है, कंपाउंड, उन्होंने बोला ना इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस, बाकी हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा रेट 5% है, टाइम 3 years है। तो जो जो हमें वैल्यूज पता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास ₹1,261, रेट परसेंटेज कितनी है 5% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 3 years।
एंड हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारे पास प्रिंसिपल एंड अमाउंट दोनों नहीं है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द प्रिंसिपल जहाँ सम ऑफ मनी जब इसको बोलते हैं लेट इट बी एक्स, तो हमने उसको ले लिया एक्स रुपीज़। देन अब आपकी अमाउंट जो है वो बन जाएगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जब हम ऐसे करते हैं पहले यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, वन प्लस आर ओवर हंड्रेड एन, एन मीन्स टाइम, देन प्रिंसिपल एक्स है, वन प्लस यहाँ पे रेट कितना है हमारे पास 5%, टाइम कितना है 3 ईयर्स, एक्स एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे कर देंगे यहाँ पर हम, देन 100 प्लस 5 आपके पास आ गया 105 ओवर 100 3 टाइम्स। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एंड हमारे पास अमाउंट आ गई, अमाउंट कितनी है ये, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, एक्स इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 ओवर 100 100 एंड 100। हम चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, देखिए 5 के टेबल में जैसे 5 20 वन ज़ा, देन यहाँ पे 5 20 ज़ा 5 20 ज़ा 5 20 ज़ा अगेन 25 21 एंड 20 ज़ा। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमको 21 इंटू 21 इंटू 21 एंड नीचे 20 इंटू 20 इंटू 20 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा x। इसको मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ये इंटू एक्स एंड नीचे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड पीछे 3 ज़ीरोस। तो ये आ गई आपके पास अमाउंट। हम अब इसको इन सारी वैल्यूज में पुट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें अमाउंट की प्लेस पे हमारे पास आ गया 9261x ओवर 8000, प्रिंसिपल की प्लेस पे एक्स प्लस ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। जहाँ आप इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें लाइक वेरिएबल सेम करने होते हैं, वैसे भी हमें एक्स को इसी साइड लेके आना है, तो हम एक्स को ले आते हैं इस साइड, एक्स आके सब्ट्रैक्ट हो गया, उधर ऐड हो रहा है, ये नंबर एज इट इज़ नीचे वन लगा लिया, एलसीएम इज 8000। जब आपका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज़, पर जब आपका डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम नहीं है तो हम डिवाइड करते हैं, 8000 को 1 से डिवाइड करेंगे 8000 ही आएगा, देन 8000 इंटू x 8000x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1261x ओवर 8000 इज इक्वल टू दिस। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू क्योंकि वही हमारा प्रिंसिपल है। देन आपको क्या करना है, x से 8000 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया x से, 1261 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड, पूरा पूरा कैंसिल, एक्स आ गया आपके पास 8000। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 एक्सरसाइज 8.2 के अच्छे से कवर कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए हैं। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।